हॉलीवुड के खुद साख्ता और आर्टिफिशियल हीरोज है और हमने अपने हीरोज अपनी किताब में छुपा के रखे हुए हैं। जैनमन हीरोज आप अगर ये बाकी सारी चीजें ये मुझे बता दीजिए जिस जमहूरियत जिस नाइंसाफी की सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो शरीर तुम जो सेंसर बोर्ड की चेयरमैन हो मुझे किसी इस्लामी नजरियाती काउंसिल से फतवा लेके तो ये शरीर है हमारे नाम कौन सा नाम शरीर है आप आईएमएफ से पैसे लेते हो शरीर है उसको सूद वापस करते हो शरीर है उस पर छलांगे लगाते हो किस्त मिलने पर वो शरीर है और पूरी कौम को वो चाहे दीनदार हो या कम दीनदार वो आज 76 सालों से सूद पे कर रही है सब शरीर है। आपके नाम फेमिनिस्ट की तहरीक जो थी जिसमें बेहयाई और बदतमाशी को फरोग दिया जा रहा था वो शरीर थी आप तमाशा कर रहे हो। याद रखिए मैं आप लोगों को बताऊं किसी की भी गवर्नमेंट हो जिस मुल्क में फिर नहीं चलती वहां टेलीविजन चलता है आप क्या चाहे इकट्ठा कर लीजिए जिन मुल्कों में फिल्म इंडस्ट्री अपने जोवर पर है वहां टेलीविजन नाम शय हुए हैं। माफी मांगी अपने साथ खुदा के वास्ते इस फिल्म इंडस्ट्री को पलटने फलने फूलने दीजिए। मुझे अगर शराब किसी को समझानी है तो भेजो मेरे पास मौलाना मैं पूछना चाहता हूं शराब तो बिल्कुल खामोश है कि एलियन अगर आके एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है उसके बारे में कौन सी आयत आई हुई है कौन सी हदीस में इसका जिक्र है। बंद करो ये इस्लाम की नाम हाल ठेकेदारी मैं तुमसे ज्यादा इस्लाम को जानता हूं और अगर आपने फिर इंडस्ट्री को इसी तरह कबर में उतारना है तो ये जो सैलरी ले रही हैं आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ये भी बैठ रही है वो जो 30 साल मैदानों पर फिल्में चलती रही और क्लासिक कोखों पर चलती रही और सौ सौ बंदा मारते रहे आप वो शरीर था गड़वी दुध वाली कोई कोडी की जीरा हाँ चली सामा दी हनेरी दो अनारे गए बबलू पा ये सब शरीर था बेशर्मों को इनसे सर्टिफिकेट वापस लो ये सब चला के दिखाया तुमने मजीद ले जान फिरता शरीर था और अगर वो सब शरीर था तो अल्लाह के वास्ते इस फिल्म के सब्जेक्ट के हवाले से कोई शराब बिल्कुल खामोश या मुझे मन जब कॉलेज बुलाइए यहां फर्स्ट क्लब में उनको बोलिए मेरे साथ आके अंदाजा कर ले कहां शराब ने कहीं लिखा है अगर हम एक फिक्शन का सब्जेक्ट उठा के ये कहें एक एलियन ने आके जहां लड़की प्रेग्नेंट कर दी है तो वो ऐसा ही हो गया कौन सी हदीस में इसका जिक्र है तो अब मैं तुम लोगों की कम इल्मी को इल्म समझ लू ये हमसे नहीं होगा। आप बाकायदा ऐलान कीजिए कि आप सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन से इस्तीफा दे रही हैं क्योंकि कसम खुदा की आप गैर शरय तनख्वाह ले रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अली साहब ने शायद एक थोड़ा बुनियादी मुद्दा उठाया है इसके शुरू होने के वाले जो जो फिल्म के आसमान में खड़ी है कि मेरा मतमा नजर है इस फिल्म से मेरा तो कोई लेना देना नहीं ना मैं नाम नहीं लिखी ना डायरेक्ट की मेरी तो आज मुनीर राज से मुलाकात हुई जब उनके बच्चों ने जब आपने मुझे बताया ये मुनीर राज के बच्चे हैं तो मुझे वो स्टेज याद आया जिसकी हुरमत कालम बरदार था ये शख्स तो मुझे शर्म आई लेकिन उसके बच्चे आके वो अलग लेकर निकले हैं तो आपकी बेशर्मी और बेगैरती का लेवल ये है क्या तुम के रस्ते में रुकावटें डालेंगे कहां चैलेंज करेंगे इस सम्राट इनके साथ खड़ा हूं सर्टिफिकेट में जिसमें आपने लिखा कि ये फिल्म बैन की जाती है उनके बारे में कोई एक्शन लीजिए कि वो जोहला बिठाए हुए हैं तुम आप लोगों ने यहाँ जिन्होंने सेंसर किए फिल्म क्या वो जाहले मुतलिब थे सिंध में जिसने जिन्होंने सेंसर किया वो जाहले मुतलिब थे और अकल और शऊर आपके पास है अच्छा क्या मुंश
खुशी का कसूर नहीं होता जिससे आप साथ लिखवाते हैं, दस्तखत करने वाले का होता है। ये ना पीछे नहीं मनी वो बराबर की भोजन है, उसको देखना चाहिए था। रशियन फिल्म सेंसर बोर्ड उसको फिल्म इंडस्ट्री का हाल देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए था कि प्रोड्यूसर अगर घर से आके यहाँ पे पूरे मुल्क में कोई लोगों ने टके की सपोर्ट नहीं की फिल्म इंडस्ट्री को, हम अपने बलबूते पर अपने जेवर बेच के अपनी बीवियों की अपने अपनी कमाइयां लगा के अपने बर्तन बेच के फिल्में बनाते हैं, और आपकी ये सपोर्ट है कि आप हमें वहां बैठ के शराब सिखाएंगी। ये शराब को मुझे जानना है कि क्या मुझ पर यह लाजिम है कि मैं तुम लोगों से सीखूंगा। दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन नहीं मरीज साहब कि हमने किस किस ने शराब सिखानी है। अगर आपको शराब का इल्म है तो YouTube पर जाइए और देखिए जो मुफ्तियान आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मुस्लिम फिकाएं फिकाओं के लोग एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, और मेरे बच्चे भटक रहे हैं इसकी वजह से। They don't know where to grow। उस जब हालत में की बात तो है नहीं हमारे पास, ये अब लॉस में बुरेगा। उसमें अगर कोई शख्स कोशिश करता है एक बारिश का एक कतरा वो ड्रॉप करता है, वो उसके खून का कतरा है तो उसकी उसको आप पैरों तले ड्रॉप करिए तो हम करेंगे। ड्रामों में जो भी दिखाया जाए वही अर्ज किया मैंने, यहाँ पर इंट्रा फैमिली रेप दिखाए जा रहे हैं, हर दूसरे ड्रामे में एक लड़की हरामी बच्चा पेट में डाल के फिर रही है। कहाँ है वहां तुम्हारी शराब? हाँ आप बेतहाशा मर्द को गाली दे रहे हैं बगैर किसी रीजन के, कहाँ है आपका आपकी शराब? आपको तो तकलीफ दी गई कि आपका शौहर जो है खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं शौहर को सजदा करने के लिए कहता, तो आप तो सरासर तौहीन कर रही हैं उनकी। सदियों पहले जहां कभी जब कभी सच की खुशबू आती है कुछ लोग छुप जाते हैं और कुछ लोग तलवारें लेके सच को मारने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए इस मुल्क में सच के नाम सच बोलना और सच के बारे में तलवी लेना इंतहाई मुश्किल बात है। तो इस सिलसिले में अगर कोई काम करता है तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। इसलिए हम उस लहज में हैं कि हम हौसला देने वालों में रहें ताकि ये लोग काम करते रहें, खामोश होकर घर के सोसाइटी से ना बैठ सकें, क्योंकि हमारा किरदार शुरू से ही आप तो जानते हैं शुरू से ही ये रहा है कि कहाँ कहाँ महरूमियत है उसको उठाओ और आगे जाके उनकी आवाज़ को बुलंद करो ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने कान जान बूझ के बंद किए हुए हैं। कल खबर चलेगी, परसों दो आज बात मेरे साथ है, मैंने लिखते मान साहब की शुक्र
बात के लिए, मेरे फादर बीमार हैं लेकिन वो यहाँ तक आए इस टाइम पे मुझे सपोर्ट करने के लिए कि मैंने इस टाइम पे फिल्म बनाई और एक द स्पॉट आप ये देखें कि मेरा प्रीमियर था नेक्स्ट डे और मुझे रात में 10:30 बजे लेटर भेजा गया ताकि ये बंदी बैक भी ना कर सके और मुझे पता है